आने वाले 7 दिनों के लिए जो गुजरात स्टेट के लिए फोरकास्ट दिया गया है वो ड्राई वेदर प्रिवेल करेगा और मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करेंगे तो आने वाले 5 दिनों के लिए मैक्सिमम टेम्परेचर 9 लाख चेंज में रहेगा। और आज कल और परसों 3 दिन के लिए डस्ट स्टॉर्म की वार्निंग दी गई है कच्छ, पाटन, बनासकांठा और सुरेंद्रनगर में। और विंड स्पीड की बात करेंगे तो आने वाले 3 दिनों के लिए विंड स्पीड की वार्निंग दी गई है जिसकी विंड स्पीड की जो रेंज होगी वो 25 से 30 किलोमीटर पर आवर के आसपास रहेगी। और मैक्सिमम टेम्परेचर रियलाइज की बात करेंगे तो अहमदाबाद में 43.2 और गांधीनगर में 42.7 मैक्सिमम टेम्परेचर रियलाइज हुआ। और फोरकास्ट की बात करेंगे तो अहमदाबाद आज के लिए 44 और गांधीनगर के लिए 43 मैक्सिमम टेम्परेचर का पूर्वानुमान दिया गया है। और सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करेंगे तो सुरेंद्रनगर में 43.7 मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है। और विंड की डायरेक्शन की बात करेंगे तो पूरे लैंड रीजन पे जो विंड की डायरेक्शन होगी वो आज के लिए साउथ वेस्टर्नली विंड प्रिवेल करेगी। और 4 तारीख की बात करेंगे मैक्सिमम टेम्परेचर की तो मैक्सिमम टेम्परेचर 4 तारीख को नॉर्थ गुजरात में जो मैक्सिमम टेम्परेचर की रेंज होगी जो गुजरात रीजन नॉर्थ गुजरात रीजन के डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर वो 41 से 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। और साउथ गुजरात की बात करेंगे तो साउथ गुजरात में 35 से 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास 4 तारीख को मैक्सिमम टेम्परेचर का पूर्वानुमान दिया गया है। और सौराष्ट्र रीजन की बात करेंगे तो सौराष्ट्र रीजन में जो मैक्सिमम टेम्परेचर की रेंज होगी वो जो राजकोट है, सुरेंद्रनगर, अमरेली, भावनगर वहाँ पे 42 से 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास मैक्सिमम टेम्परेचर होने का पूर्वानुमान है। और बाकी जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे गिर सोमनाथ है, वेरावल है, द्वारका है, यहाँ पे 35 से 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास होने का मैक्सिमम टेम्परेचर होने का पूर्वानुमान है। और कच्छ की बात करेंगे तो कच्छ में जो मैक्सिमम टेम्परेचर 4 तारीख को होगा वो 35 से 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। और कच्छ में सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम टेम्परेचर 4 तारीख को होगा वो भुज में 38 से 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।